नमस्कार आदाब। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हरदोई के शाहबाद में कोतवाली गेट पर भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने प्रांगण में पंचायत की, जिसमें कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष श्यामू शुक्ला ने कहा कि चुनाव साल में ज्यादा गन्ना मूल्य मिलने की आस लगाए किसानों के सपने एकाएक टूट गए हैं। यूपी सरकार ने मौजूदा पेराई सत्र 2018 से 2019 के लिए एक भी पैसे की गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी नहीं की है। सरकार के इस कदम को शुगर बाउल में किसानों के लिए कड़वाहट भरे फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। इससे किसान बेहद खफा हैं। किसान नेताओं ने सरकार के फैसले को तुगलकी तक कह डाला। किसान संगठनों का कहना है कि इस गंभीर चोट को वह कभी नहीं भूलेंगे। किसानों की आय दोगुनी करने के दावे को ढकोसला बता चेतावनी दी कि दुखी किसान 2019 में सरकार से हिसाब चुकता किया जाएगा। किसान संगठन लगातार कम से कम 370 रुपए क्विंटल की मांग करते रहे हैं। गन्ना मूल्य तय करने के लिए आधार माने जाने वाले शाहजहांपुर गन्ना शोध संस्थान की रिपोर्ट में भी 290 रुपए खर्च की पुष्टि करने के बाद पिछले साल के दाम से इस साल गन्ना मूल्य में कम से कम 10 रुपए क्विंटल की बढ़ोतरी की आस किसानों को थी। कहा कि पहले गन्ना बकाया नहीं दिया और अब गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाया, बिजली डीजल खाद के दाम बढ़ा दिए। जगह जगह किसानों के साथ अधिकारी लूट का खुला खेल खेल रहे हैं। किसी भी विभाग में किसान जाए उसके साथ सौतेले व्यवहार किया जा रहा है। सेंटरों पर गन्ना उतराई के नाम से लूट हो रही है। किसान शांत नहीं बैठेगा। इसी आक्रोश के चलते थानों पर प्रदर्शन कर अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाया जा रहा है और जल्द ही बड़ी आंदोलन करने की रणनीति पर भी विचार होगा। इसलिए यहां पर दिया गया है एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन करके कि आप लोग जान रहे हैं कि प्रदेश की सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिन में होना चाहिए। हमारे यहाँ पिछले वर्ष तक का भी भुगतान अभी कई चीनी मिलें नहीं कर पाई हैं और इस वर्ष का भी हमारा 25 दिन का भुगतान चीनी मिल मालिकों के पास बकाया है। हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन करके आज का मांग पत्र इसलिए सौंपा है, जिन लोगों ने सरकार के द्वारा और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन किया गया है, उन आताताई चीनी मिल मालिकों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया जाए और प्रदेश के गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिन में सुनिश्चित कराया जाए। दूसरी एक और मांग है हमारी कि हमारे गन्ना किसानों के साथ में प्रदेश के पुलिस विभाग के आला अधिकारियों के द्वारा ट्रैफिक नियमों का हवाला देकर के उनके साथ में संबंध शुल्क वसूला जाता है। कई कई घंटे तक ट्रालियां बैलगाड़ियां बंद रखी जाती हैं, जबकि दूसरी तरफ आप लोग देख रहे हैं कि ओवरलोड वाहन गन्ने से भरे ट्रक खुले आम कानून की धज्जियां उड़ाते चल रहे हैं। उनके ऊपर कार्रवाई की हम मांग करते हैं कि जो लोग सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों को तोड़ते हैं उनके ऊपर पुलिस प्रशासन के द्वारा ठोस कार्रवाई की जाए और गन्ना किसानों को राहत दिलाई जाए। द्वारा किसानों की मांगों को लेकर के एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में जो उनकी मांगे हैं वो संबंधित को भेज दी जाएंगी। उनका गन्ना भुगतान के संबंध में है और बहुत सी मांगे हैं तो संबंधित जिससे संबंधित है उसको भेज दी जाएंगी। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।